नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। मेट गाला 2023 में शामिल होने वाले सेलिब्रिटीज और उनकी ड्रेसेस इस समय सुर्खियों में बनी हुई हैं। जी हां, मेट गाला में इस बार बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने डेब्यू किया है और उन्होंने फैशन डिजाइनर प्रबल गुरंग के द्वारा बनाई गई आउटफिट को पहना था। आलिया भट्ट की कई तस्वीरें और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जिन्हें फैंस खूब पसंद भी कर रहे हैं। इसी बीच आलिया भट्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया जो लोगों का ध्यान जो है अपनी तरफ खींच रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है। आलिया भट्ट के फैंस की इस बार मेट गाला पर नजर थी क्योंकि उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस रेड कार्पेट पर चलने वाली थी। वहीं आलिया भट्ट जब मेट गाला में रेड कार्पेट पर चली तो उनके फैंस का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आलिया भट्ट के कई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। वहीं एक वीडियो सामने आया है जिसमें आलिया भट्ट मेट गाला में रेड कारपेट पर चल रही होती हैं और पेपराजी उन्हें ऐश्वर्या राय समझ लेते हैं। जी हाँ, ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है। पेपराजी उन्हें ऐश्वर्या राय कहकर बुलाने लगते हैं। इस वीडियो को लेकर लोग कमेंट कर रहे हैं कि विदेश में ऐश्वर्या राय काफी पॉपुलर हैं, आलिया भट्ट को मेट गाला में पेपराजी ऐश्वर्या राय समझ बैठे और उनके नाम से बुलाने लगे। वहीं लोग आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण के लुक की तुलना भी कर रहे हैं। आपको बताते चले कि लोग दीपिका पादुकोण के कांस लुक और आलिया भट्ट के मेटगाला लुक को कंपेयर कर रहे हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट पिछली बार फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आई थी और इस फिल्म में वह पहली बार अपने पति रणबीर कपूर के साथ नजर आई थी। आलिया भट्ट अब फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर सिंह के साथ काम करती हुई दिखाई देंगी। वहीं आलिया भट्ट इस साल यानी 2023 में फिल्म हॉर्ट ऑफ स्टोन से हॉलीवुड में भी डेब्यू करने जा रही हैं। तो इसी तरह के एंटरटेनमेंट जगत की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।